हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग यमी। तो आज हम सीखेंगे बघारा राइस की रेसिपी, राइस कुकर में कैसे बनाते हैं। ये बैचलर्स के लिए, न्यू बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है। आजकल तो राइस कुकर मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आइए देखते हैं। पहले हम राइस कुकर के पैन में इस तरह से प्लेट या स्टैंड जो भी है वो डाल देंगे। मैंने इस ग्लास से 3 ग्लास चावल लिया है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले धोकर के अच्छे से भिगा लिया है। हम 1 ग्लास चावल को 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ 3 ग्लास चावल लिया था, उसके लिए हम 4.5 ग्लास पानी डालेंगे। पानी डालकर इस पैन को कुकर में रखकर स्विच ऑन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम बघार के लिए इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून शाह जीरा, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 इलायची, 2 इंच दालचीनी, 3 तेज पत्ता, थोड़े से करिया पत्ता, 3 हरी मिर्च को मैंने इस तरह स्लिट कर लिया है, और 2 मीडियम प्याज को इस तरह लंबा लंबा काट लिया है, स्लाइस कर लिया है। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल और घी गरम हो जाए, हम इसमें शाह जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता डालकर इसे भून लेंगे। अब इसमें स्लिट की हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। मैंने यहाँ 3 हरी मिर्ची लिया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। हम इसमें करिया पत्ता डाल लेंगे और साथ ही स्लाइस्ड ऑनियन डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए, इसके लिए हम इसमें 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम नमक डालकर इसे भून लेंगे। नमक डालने से प्याज जो है वो जल्दी भूनने जाती है। इस तरह चलाते हुए प्याज को भून लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे बहुत बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और पुदीना। बघारा खाने में पुदीना बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसे भी थोड़ी देर भून लीजिएगा। जैसे ही हमारा प्याज हल्का भुन जाए, आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिला लीजिएगा। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक इसे भून लीजिएगा। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून जाएगा, हम इसमें जिस ग्लास से हमने चावल और पानी नापा था, उस ग्लास से मैं 1/4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। चावल अच्छा बनेगा, चावल को कोई इफेक्ट नहीं होगा इससे। जैसे ही इस पानी में एक बॉईल आएगा, इस बघार को हम हमारे राइस कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसमें मिला लेंगे। बासमती राइस के लिए रेशियो होगा 1:1.5। वही अगर आप नॉर्मल राइस बना रहे हैं, कोई अलग राइस है, सोना मसूरी हो गया, दूसरा हो गया, कभी कभी पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इस मिक्सचर को हम राइस कुकर में पलटा देते हैं। साथ ही इसमें मैंने 2 टीस्पून इस वाले स्पून से, मैं बताऊंगी, 2 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, मुझे तो इतना नमक बराबर हो गया था। डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। ध्यान रखिए हल्के हाथ से मिलाना है, क्योंकि बासमती राइस बहुत जल्दी से टूट जाता है। इसे हल्के से मिला लेकर अब ढक दीजिए, बाकी काम राइस कुकर अपने आप कर लेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आगे भी अगर आप मुझसे ऐसे ही वीडियोस और सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं और भी ऐसे अच्छे मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अब इसे रख दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिएगा, ताकि मसाला सारे चावल में अच्छे से मिल जाए। अगर आप चावल नहीं मिलाएंगे तो मसाला एक जगह ज़्यादा, एक जगह कम, ऐसे हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, हल्के हाथ से ही हमें मिलाना है। सो इस तरह से चावल पका लेंगे तो बघारा राइस जल्दी बन जाएगा और बहुत अच्छे से खुला खुला बनेगा एंड बहुत
जल्दी से भी बन जाता है। इसी तरह हम राइस कुकर में चिकन बिरयानी भी बना सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए है तो मैं वो भी बनाकर बताऊंगी। इस तरह बीच बीच में चलाते हुए जब तक ये कीप वॉर्म पर आता है तब तक इसे ढककर पका लीजिएगा। देखिए हमारा कीप वॉर्म पर आ चुका है। अब हम इसे और एक 15 मिनट छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद देखिए इसे सर्व कर लेंगे। देखिए चावल कितना फूला फूला बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।